ललिता चैनल ब्लॉग। तो गाइस आज सरस्वती पूजा है, आप सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग पूजा कर लिए हैं जिसका मैं ब्लॉग बनाई हूँ, आगे आप लोग मेरा वीडियो देखिए। पूजा के लिए मैं थोड़ा सा फल काटी हूँ और यहाँ पे गोटा फल धोकर थाली में रखी हूँ, तो गोटा फल भी चढ़ाना चाहिए माँ सरस्वती को और कटा हुआ भी फल चढ़ाना चाहिए, दोनों चढ़ाना चाहिए। और मैंने पैर नहीं रंगी थी तो मैंने सोची ऐसे पूजा नहीं करना चाहिए सुहागन को, तो मैंने पैर रंगने के लिए आई हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं पैर रंग रही हूँ। और माँ सरस्वती का जितने भी सारे सामान हैं, जो भी मैंने सिंगार वगैरह लाई हूँ, वो मैंने चढ़ा दी हूँ। और खर्चा भी भरना पड़ता है, जब भी आप घर पे कहीं भी पूजा करना चाहिए तो सरस्वती माँ का खर्चा जरूर भरना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने खर्चा भर दी हूँ, जिसमें चावल अच्छा दुबी पान कसेली और दर्व लगता है, जो मैंने सभी कुछ दे दी हूँ। और यहाँ पे बिंदी सिंदूर चूड़ी जो भी होता है सब कुछ मैंने चढ़ा दी हूँ। और मेरा बेटा, मैंने सारा कुछ व्यवस्था कर पहले कर दी हूँ, उसके बाद मैंने सोची कि अब पहले दोनों बच्चा को मैं पूजा करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं खुद पूजा करूँगी। क्योंकि ऐसे तो नहीं किया जाता है, जब तक माँ सरस्वती को सजाएंगे नहीं तब तक कैसे पूजा करेगा, इसीलिए मैंने सब कुछ कर दी हूँ। और ये मेरा दोनों बेटा सिर्फ पूजा करेगा, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा छोटा बेटा यहाँ पूजा कर रहा है। और यहाँ पे बड़ा बेटा मेरा घंटी बजा रहा है, बोला मम्मी पहले छोटा भाई को पूजा करने दो, उसके बाद मैं बाद में कर लूँगा। तो पहले मेरा छोटा बेटा पूजा कर रहा है, उसके बाद वो करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये बोल रहा है मम्मी कैसे पूजा करूँ, तो मैंने बता रही हूँ पूजा करने के लिए कि इस तरह करना चाहिए, फल वगैरह जो भी है पहले फूल चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, इसी तरह पूजा करना है, उसके बाद अगरबत्ती वगैरह दिखाना है। तो आज सरस्वती माँ का दिन है और सारे स्टूडेंट, जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं, आज का दिन बहुत खुश रहते हैं और माँ सरस्वती को मन से ही पूजा करते हैं। तो मेरा दोनों बेटा सुबह से ही बहुत खुश है और बोल रहा है मम्मी आप जल्दी तैयारी कीजिए ना, पूजा करूँगा। और बाहर में भी बहुत सारा ये बैठा हुआ है, बट हम लोग जब तक पूजा नहीं होगा तो हम लोग को पूजा करने देगा नहीं, इसीलिए हम लोग आज नहीं पूजा करने जा सकते हैं। और दो तीन बज सकता है, एक दो जगह पता किए भी तो बोला अभी नहीं पूजा हो पाएगा, आप लोग को लेट हो जाएगा, इसलिए आप लोग घर पे ही पूजा कर लीजिए। तो मैं तो घर पे हमेशा पूजा करती हूँ, ऐसा नहीं हर साल पूजा करती हूँ, फिर भी सोचती हूँ कि बच्चे लोग को बाहर भी पूजा करा दें, लेकिन नहीं हो पाता है। और सभी स्टूडेंट आज के दिन बुक वगैरह नहीं छूता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बुक भी रख दिया है मेरा बेटा, बुक पेन रखना चाहिए। और हम लोग भी हर साल जब भी होता था सरस्वती पूजा तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे और इसी तरह बुक वगैरह रखते थे। तो पूजा सरस्वती माँ का बहुत मान्यता होता है। तो देखिए मेरा छोटा बड़ा बेटा यहाँ पे पूजा कर रहा है, छोटा बेटा पूजा कर लिया है और बड़ा बेटा कर रहा है, ये भी कुछ कुछ कर रहा है। तो जो भी है हम लोग का बगल में ही पूजा, दोनों बेटा मेरा पूजा कर लिया है और अगर अगरबत्ती अब दिखाएगा तो देखिए मेरा छोटा बेटा यहाँ पे अगरबत्ती जला रहा है। तो देखिए अगरबत्ती जब भी जलाना है, तो हम लोग जब भी पूजा करते हैं तो तीन अगरबत्ती दिखाते हैं। और आज का दिन मैंने 10 अगरबत्ती यहाँ पे रखी हूँ, 5-5 दोनों बेटा को दूंगी और दोनों बेटा मेरा जलाएगा। तो पूजा करने का या तो 3 जलाइए या 5 जलाइए, आपकी मर्जी, तो अच्छा होता है। ऐसे 2 या 4 इस तरह करके अगरबत्ती कभी नहीं जलाना चाहिए, आप लोग अगर जानकारी है तो अच्छी बात है। तो इसी तरह हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो बता रहे हैं आप लोग को भी, आप लोग बुरा मत मानिएगा कि आप लोग बता रही हैं क्यों। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेटा अगरबत्ती दिखाएगा, उसके बाद पानी वगैरह जो भी होता है पंडार करके फिर अपना फल वगैरह जो भी होता है खा लेता है। तो आज का दिन सारे स्टूडेंट, किसी का मन होता है तो फल पर ही रह जाता है या फिर खाना भी पूजा वूजा करने के बाद खा सकता है, अपना अपना इच्छा है वो अपना कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताई थी कि गोटा फल भी चढ़ाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे देख ली, मैंने यहाँ पे गोटा फल भी चढ़ाई हूँ और बच्चे लोग को भी बताई हूँ कि बेटा गोटा फल भी चढ़ा देना। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी हूँ, उसके बाद दोनों बेटा अगरबत्ती दिखा रहा है। मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा ज़्यादा शरारती है, देखिए क्या कर रहा है, आईना में अगरबत्ती दिखाता है। और इस ये दोनों को पूजा करने में बहुत मन लगता है हमेशा, जब भी अभी तो ठंडा का समय है, ये लोग परेशान रहता है मम्मी पूजा करेंगे बट लेट हो जाता है, जब भी दोपहर में नहाता है तो बहुत टाइम हो जाता है, इसीलिए पूजा नहीं कर पाता है। लेकिन गर्मी के समय में
हमेशा ये लोग लगभग पूजा करता है, दोनों को बहुत मन लगता है पूजा करने में, आप लोग को बता नहीं सकते। तो ठंडा के समय में करने नहीं देते हैं, देखिए। तो देखिए मेरे हस्बैंड अब यहाँ पे जाएंगे पूजा करने के लिए। अब मेरे यहाँ पे जब भी पूजा करते हैं तो हम लोग सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाते हैं, और मेरा बेटा देखिए अगरबत्ती दिखा रहा है, यहाँ पे सूर्य भगवान दिख जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहीं से पूजा करते हैं। छत पे हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि छत पे चढ़ने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत ऊँचा है, इस वजह से बहुत परेशानी लगता है, हम लोग नहीं जाते हैं। अक्सर हम लोग यहीं से पूजा कर लेते हैं। और मेरा बेटा दोनों का पूजा हो गया है, देख सकते हैं अभी अगरबत्ती। तो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और मैं उनसे दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप मुझे इतना टाइम निकाल के मेरा ब्लॉग देखते हैं, मेरा शॉर्ट वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो शायद आप लोग जितने भी लाइक और कमेंट करते हैं तो बता नहीं सकते कि कितने खुश हो जाते हैं, और अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे चाह रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह गाइस आप लोग सपोर्ट करते रहिए तो मैं मेहनत करूंगी, क्योंकि आप लोग जानते ही नहीं कि कितना मेहनत लगता है ब्लॉग बनाने में, इसीलिए जल्दी हम ब्लॉग नहीं बनाते हैं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हैं, तो गाइस रियली में बहुत मेहनत लगता है, टाइम लगता है, और टाइम नहीं दे पाते हैं, और पूरा ब्लॉग भी नहीं, हर रोज में ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ, इसीलिए नहीं डाल पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो हर रोज में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, हर रोज में ब्लॉग डालूंगी, बट आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और जब मेरा वीडियो पूरा जाने लगेगा तो मेहनत भी करेंगे, हर रोज टाइम नहीं मिलता है, तो एक दो घंटे से शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ, चाहती हूँ कि आप लोग से जुड़े रहें, और आप लोग से जुड़े रहने में बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग को हमेशा मैं चाहती हूँ कुछ अलग अलग चीज़ दिखाएं, अलग अलग चीज़ें बनाएं जो कि आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को अच्छा लगे, इसीलिए हम कुछ खास होता है कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप पूजा कर रही हूँ तो आप लोग को जरूर देखूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ आज का ब्लॉग इसलिए इस मकसद से मैंने डाली हूँ कि आप लोग को दिखाऊंगी। और रोज का जो रूटीन होता है, रोज मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, तो उसका मैं पूरा ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग पसंद नहीं करेंगे, इसलिए हम नहीं डाल पाते हैं। अफसोस होता है कि हम आप लोग को ब्लॉग नहीं रोज डाल पा रहे हैं। तो देखिए अब मेरा हस्बैंड पूजा कर ली है, और हम अब लास्ट में पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जो है दिखा देंगे, और जल भंडार करके जब समाप्त कर देंगे, उसके बाद ऐसे ही प्रसाद वगैरह बेटे को मोली धागा बांध रही हूँ, बस टीका लगा रही हूँ, मोली धागा बांध रही हूँ, क्योंकि आज का दिन पूजा है तो टीका भी लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टीका लगा रही हूँ, और बड़ा बेटा देखिए मेरा बैठा हुआ है, छोटा बेटा बोल रहा है मम्मी हमें भी करो, यहाँ पे देखिए मोली धागा बांध रहे हैं। तो गाइस आप लोग इसी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।